हेलो दोस्तों, यूपीटीटी एग्ज़ाम 18 नवंबर 2018। जैसा कि अभी तक आपको मैंने एनवायरनमेंट साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट और इंग्लिश के सॉल्यूशंस उपलब्ध करा दिए हैं, आते हैं हिंदी के सॉल्यूशन की तरफ। हिंदी के सॉल्यूशन के अलावा बाकी सारे सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल हिस्टोरिक ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर मिल रहे हैं। रिकॉग्नाइज आपको यहाँ पर सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं रेपिटेटेड फैकल्टीज के द्वारा। चलिए आते हैं अभी हिंदी वाले सॉल्यूशंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो हिंदी वाला सेक्शन है, ये हमारे पास बुकलेट है सी, प्राथमिक स्तर पर जो पेपर आज संपन्न हुआ उसमें 31वें सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कवि और इसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पर आप जवाब करेंगे फोर्थ ऑप्शन उद्धव शतक, भारतीय नरेशचंद। बाकी सारे जोड़े आपका सही है, शिवराज भूषण, भूषण किताब के लेखक है, शब्द रसायन देव है और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी की कृति है। 32वें पूछा हुआ लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है, तो इसमें आपका दर्शन दिग्दर्शन जो कि रामचंद्र शुक्ल दे रखा हुआ है गलत है। सूरज का सातवां गुण आपको पता ही होगा धर्मवीर भारती का, डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का आदि देश लिखा हुआ। बाकी सारे पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही मैच नहीं कर रहा है। 33वें की अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह की दृष्टि इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें सही जवाब होगा तीसरा, हाँ मेरा ये विचार हाँ के बाद यहाँ पर एक विराम चिन्ह आना चाहिए था। 34वें के सवाल की अगर बात की जाए तो कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो इनमें अधुनातन आपका अलग अर्थ का या प्रकृति का है, अधुनातन यानी इन चारों में आपका सबसे अलग है। तीन जो शब्द एक जैसे हैं वो चिरंतन, शाश्वत और सनातन है। जो सनातन यानी अशाश्वत, जो लंबे समय चले आ रहे, काफी लंबे समय जो चीजें चली आ रहे, अधुनातन आपका विपरीत होता पुरातन का, तो अधुनातन यानी आधुनिक समय का, इस वजह से जो सबसे अलग भिन्न प्रकृति का है वो चौथा ऑप्शन यानी अधुनातन होगा। 35वें सवाल में पूछा हुआ अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन यानी नया, प्राचीन यानी पुराना। 36वें सवाल पर आते हैं, 36वां सवाल हमारे पास है यहाँ पर कि व्याकरण की दृष्टि से इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध शब्द यहाँ पर ढूंढना है। जो ग्रहणी शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि यहाँ पर गलत दिया हुआ, भीषण जदगुरु और विरणी सारे सही है, ग्रहणी शब्द आपका व्याकरण की दृष्टि गलत है। 37वें में आपका पूछा हुआ कौन सा युग गलत है, ये आपको लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट होना बिल्कुल सही, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल यानी साइसी व्यक्ति जो गलत है वो दूसरा सब्ज बाग दिखलाना यानी आरा बारा करना, ये आपका यहाँ पर मुहावरा गलत है। और 30वें में आपको बताना है कि ऊपर दिए गए दो है, मेरे भव बाधा हर और राधा नागर सोए, जातन की झाई परे और श्याम हरित दुखी होए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो जब आप इसमें अलंकार देखेंगे तो इसमें श्लेष अलंकार का आपका भाव निकल के आता है, श्लेष अलंकार आपको यहाँ पर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपका शब्दों के अर्थ अलग अलग लिए गए। 39वें में आपका गौशाला में समाज की बात की, गौशाला में तत्पुरुष समास है, और देशभक्ति में समाज की बात की जा रही तो देशभक्ति में भी आपका समाज कौन सी तत्पुरुष समास है। 40 के बाद सवाल नंबर हम लोग आते हैं 41वें सवाल पर, 41वें सवाल में आपसे कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो प्रागैतिहासिक में जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा होगा हम पहला ऑप्शन लेंगे, प्राग प्राग शब्द का, प्राग शब्द को उपसर्ग के रूप में यूज किया गया। तुलसीदास की इनमें से, तुलसीदास इनमें से किसकी रचना है, तुलसीदास इनमें से महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना यानी कविता है। 43वां बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, बहिष्कार का सही है संधि विच्छेद करेंगे तो आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा, बही प्लस कार। 44वां सवाल है वैदेही वनवास, ये भी किसकी रचना, देखिए तीन चार रचनाएं पूछी जा रही हैं इस पेपर में, वैदेही वनवास आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओध आपका जिनका उपनाम है उनकी रचना है। 45वें इनमें से पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है, तो इनमें से मझधार है, पखावज है, पहिया, इनके अलावा जो लिखावट बचता है ये हमारा पहिया हमारा यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है, तो इसका 45वें का सही जवाब करोगे आप पहला यानी पहिया, लिखावट, पखावज और मझधार आपका ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, या तो ये स्त्रीलिंग शब्द है या फिर आपका इनका कोई भी लिंग नहीं। 46वें सवाल पर आते हैं, 46वां सवाल आपका ये पैसेज से रिलेटेड है, 46वें सवाल में आपका संप्रेषण कला यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपका पूरा पैसेज दिया गया। संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो संप्रेषण का मतलब आप अलंकृत भाषा का प्रयोग करो जिससे लोग समझ ना पाए, बहुत अलंकृत भाषा का मतलब संप्रेषण नहीं, संप्रेषण जिसको लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, और इसमें स्वामी विवेकानंद भारती जो है कम्युनिकेशन स्किल यानी संस्करण इनके बारे में आपको बताया गया।
आगे आता है 47वां सवाल, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? ये अभ्यास से होता है और लगातार प्रैक्टिस से संप्रेषण कला यानी कम्युनिकेशन आर्ट को अपनी डेवलप कर सकते हो। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन इसमें पहला यानी या संयुक्त व्यंजन नहीं है। 49वें सवाल पूछा, मृत्युंजय पद में कौन सी समास है? मृत्युंजय में आपका समास है हमारी बहुब्री, इसमें आपका कर्मधारय लगा हुआ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। 49वें सवाल, मृत्युंजय में समास कौन सी है? बहुब्री है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो अलंकार में आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, अलम जो उपसर्ग है इसका प्रयोग हुआ है। 51 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, यह पुस्तक किसकी है? इसमें रेखांकित शब्द यानी यह, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है यानी पुस्तक विशेष, एकवचन, एकवचन है और यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। तो इसकी तीन विशेषताएं यानी सार्वनामिक विशेषण भी है, एकवचन भी है और स्त्रीलिंग है, जो यहाँ पर रेखांकित शब्द है यह। 52 में विशेष विश्लेषण शब्द का विलोम पूछा, विश्लेषण का अपोजिट होगा संश्लेषण। तो 53 नंबर सवाल पर आते हैं, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने, ऊपर के दांतों पर, दांत से अगर कोई भी आपका टच हो रहा है, दांत से जीभ टच हो रही है, तो उन्हें आपका हम लोग कहेंगे क्या? दंतव्य। तो इसका सही जवाब होगा सेकेंड ऑप्शन यानी दंतव्य। 54 नंबर सवाल पूछा गया, ऊष्म व्यंजन कौन है? तो आपको पहला ऑप्शन शा शा सा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। 55 पूछा हुआ, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का विलोम होगा आपका, यहाँ पर पूछा गया अत्यधिक यानी जो चीज बहुत ही एफ्लुएंट मात्रा में उपलब्ध हो, यानी जो चीज बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होगी वो कौन होगी? हमारा पहला ऑप्शन होगा अत्यल्प, ध्यान दीजिएगा सही जवाब यहाँ 55 नंबर में क्या होगा? अत्यल्प। आगे आते हैं 56 नंबर सवाल पर, 56 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है कि रित का विलोम क्या है? अब यहाँ पर अच्छा सवाल है, रित का विलोम आपका यहाँ पर होगा अनरत। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना, संकल्प शब्द में उपसर्ग है हमारा सम। और 58 नंबर सवाल में, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? ये हमारा भाववाच्य। तद्भव और तत्सम उसका कौन सा मेल? गलत है। यहाँ पर आपका लौंग को लवंग कहते हैं, आंत को अंत कहते हैं, लुनाई को लावणत्या कहेंगे। जो गलत यहाँ पर मेल है वो आयुष और आदेश है। 60वां सवाल फिर से पुस्तक और रचना संबंधित है, लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तीन सही है, एक को यहाँ गलत होना चाहिए। इसमें आपका जो गलत है वो स्कंद गुप्त का गलत है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृति नहीं है। बाकी सेक्शन संस्कृत के लिए आप हमारे चैनल हिस्टोरिकल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आप हमारे बाकी चैनल के ऊपर बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशंस देख सकते हैं। थैंक यू।